तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभालने वाले पुष्कर सिंह धामी के जीवन चरित्र के बारे में आज हम जानेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 जिला पिथौरागढ़ के तहसील डीडी हाट के टुंडी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शेर सिंह धामी है, जो भारतीय सेना में सूबेदार थे, हालांकि उनका स्वर्गवास हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी की माता का नाम श्रीमती वीना देवी है। इनकी माता श्री एक गृहिणी थी। शेर सिंह धामी के 4 बच्चे हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी 3 बहनों में अकेले हैं। पुष्कर सिंह धामी के पिता सेना में थे, इसलिए पुष्कर सिंह धामी का प्रारंभिक जीवन काफी अनुशासन में बीता। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में प्राप्त की, क्योंकि आर्थिक अभाव के कारण इनको प्राइवेट स्कूल में शिक्षा नहीं मिल सकी थी। इसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा ग्रहण की। अपनी शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत श्री धामी जी ने मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक से संबंधित मास्टर्स भी किया। पिता के न रहने के उपरांत उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। पुष्कर सिंह धामी की पत्नी का नाम श्रीमती गीता धामी है। पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक करियर बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि जब कोई जमीनी स्तर से शुरुआत करता है तो उसे उसका काफी अनुभव हो जाता है। धामी ने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। एबीवीपी में अलग अलग पदों पर काम करने के बाद इनकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए इन्हें 2002 में उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2008 तक 6 साल वह इस पद पर अपने कार्य का सफलतापूर्वक निर्वहन करते रहे। धामी हमेशा युवाओं बेरोजगारों की आवाज को उठाते रहे। उन्होंने तकनीकी शिक्षा पर भी खासा जोर दिया। 1990 से 1999 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहकर विभिन्न पदों पर कार्य किया और लगातार वह युवाओं की आवाज बनने का कार्य करते रहे। बेरोजगारों की समस्या को देखते हुए 2002 से 2008 तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने बेरोजगार युवाओं को संगठित किया। तत्कालीन सरकार के खिलाफ इन्होंने कई विशाल रैलियों का आयोजन किया और सरकार पर दबाव बनाने का कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को राज्य के उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 70% आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी। 11 जनवरी 2005 को 90 युवाओं के साथ मिलकर इन्होंने विधानसभा का घेराव किया और ऐतिहासिक रैली का आयोजन किया, जिसे आज भी याद किया जाता है। तकनीकी शिक्षा और युवाओं की समस्या को लेकर मुखर रहने वाले श्री धामी को 2010 से 2012 तक पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस पद पर रहते हुए जनता की समस्याओं को दूर करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर निराकरण करवाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप जनता ने इन्हें पहली बार 2012 में विधायक के रूप में जीत दिलाई। धामी संघ और राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं। पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र के कटीमा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इनके कार्यक्षमता और कुशल नेतृत्व को देखते हुए 3 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का निर्णय लिया और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद से धामी पर जनता की जिम्मेदारियों का भार और बढ़ गया और उन्होंने उसे बखूबी निभाया भी। जनता के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी निभाने की कला ही लोगों को धामी के प्रति आकर्षित करती है। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।